हेलो दोस्तों, दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको निम्बार्क संप्रदाय सलेमाबाद जो अजमेर ज़िले के अंदर है उसकी दोस्तों हम शेयर कराने वाले हैं। दोस्तों यह मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है और राधा कृष्ण के लिए यह प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर दोस्तों श्री जी महाराज, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनको साक्षात भगवान श्री कृष्ण और राधा साक्षात उन्हें दर्शन देते थे और उनसे बातें करते थे। दोस्तों उनकी ख्याति इतनी दूर दूर तक फैली हुई है, दोस्तों इसका अंदाज़ा आपको इस पूरे मंदिर को देखकर लग जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये राधा कृष्ण का मंदिर है, अंदर हम इनके अंदर चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण और राधा की जो मूर्ति प्रतिमा है, यहाँ पर उनको पूरी तरह से एक तरह से इंसान की तरह है उनकी सारी देखभाल की जाती है। गर्मियों के मौसम में यहाँ पर AC लगाई जाती है मंदिर के अंदर, और सर्दियों के मौसम में दोस्तों हीटर लगा रहता है। और इसका नज़ारा दोस्तों अभी आप देख सकते हो। और यह जो निम्बार्क संप्रदाय है, यह सबसे बड़ा संप्रदाय जो इसका मुख्य मंदिर यहीं पर है सलेमाबाद के अंदर। और यह दोस्तों जो आपको प्रतिमा दिखाई दे रही है, ये जो श्री जी महाराज थे उनकी प्रतिमा है जिनको भगवान साक्षात दर्शन देते थे। और दोस्तों हाल ही में इनकी अभी स्वर्गवास हुआ है। और इनकी दोस्तों ये प्रतिमा है जो किशनगढ़ के RK मार्बल्स, जो बहुत विश्व भर में प्रसिद्ध है, उन्होंने यह प्रतिमा बनवाई है। तो देखिए दोस्तों, ये श्री जी महाराज जो साक्षात भगवान के दर्शन किया करते थे, ये दोस्तों मंदिर के अंदर का नज़ारा है। और यहाँ पर जो सैलानी है दूर दूर से देखने आते हैं, क्योंकि दोस्तों निम्बार्क संप्रदाय विश्व भर में प्रसिद्ध है और राधा कृष्ण भगवान की पूजा के लिए, उनकी अर्चना के लिए यह प्रसिद्ध है। यह मंदिर के अंदर का नज़ारा है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, यह मंदिर काफ़ी मनभावक और लुभावना है। ये अंदर दोस्तों राधा कृष्ण की जो प्रतिमा है, भगवान श्री कृष्ण और राधा की प्रतिमा दोस्तों आप देख सकते हो। और उनके अंदर दोस्तों आपको ये कुछ महसूस होगा कि अंदर कुछ लगा हुआ है, क्योंकि अभी दोस्तों ये सर्दियों का मौसम है। तो सर्दियों के मौसम के अंदर देखिए दोस्तों, यहाँ पे हीटर लगा हुआ आपको अभी दिखाई देने वाला है, तो आप गौर कीजिएगा दोस्तों। यही दोस्तों प्रतिमा है जो आपको सामने दिखाई दे रही है, ये बीच वाली प्रतिमा, ये भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा है। और नीचे की तरफ दोस्तों आप देखो तो एक काले कलर में नीचे की तरफ आपको कुछ दिखाई देगा। और यही दोस्तों एक तरह से हीटर है जो अंदर भगवान की जो प्रतिमा है उनके लिए लगाया गया है, ताकि जो भगवान है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि भगवान साक्षात यहाँ पर विराजमान होते हैं। दोस्तों जो श्री जी महाराज हैं उनका यहाँ पर एक महल भी है जहाँ पर वो तपस्या किया करते थे। तो हम मंदिर के अंदर इस महल के अंदर के ओर भी चलते हैं और आपको पूरा नज़ारा दिखाते हैं। दोस्तों जो यहाँ के श्री जी महाराज थे वो विश्व भर में प्रसिद्ध है, वो अभी अभी हाल में उनका निधन हुआ है। उनको दोस्तों काफ़ी लोगों ने, जो RK मार्बल्स है, बड़ी बड़ी जो मार्बल्स कंपनियाँ हैं उनके जो संचालक है, जो भी उनको चलाते हैं, उन्होंने दोस्तों इनको महंगी महंगी कार भी दी है। यहाँ पर दोस्तों एक BMW कार है, वो भी हम आपको दिखाएंगे, जो RK मार्बल द्वारा भेंट की गई है। तो दोस्तों जो कवर में आपको गाड़ी दिखाई दे रही है, यह BMW कार है, जो इनके ही एक बड़े भक्त, जो किशनगढ़ के मार्बल के प्रसिद्ध व्यापारी है जिसे RK मार्बल के नाम से जाना जाता है, उन्होंने यह भेंट की है। ये देखिए दोस्तों, ये मंदिर का अंदर का नज़ारा है। और यह आपको जो तस्वीर दिखाई दे रही है, ये श्री जी महाराज की तस्वीर है। दोस्तों इनके दर्शन के लिए लोग मरते थे, ये देखिए दोस्तों, ये जिसमें खाना खाते थे, जो ये चांदी के बर्तन आपको दिखाई दे रहे हैं, और इनकी जो सारी सामग्रियां जो ये प्रयोग में लेते थे, अभी ये देखने के लिए रखी गई है, इनका कोई भी प्रयोग नहीं करता है। तो ये देखिए दोस्तों, इनकी जो जूते चप्पल है, जो भी ये पहनते थे, उनकी भी आज पूजा होती है। ये देखिए दोस्तों, चांदी के बर्तन आपको दिखाई दे रहे होंगे, साथ में इनकी जो भी डायरियां थी, चश्मा, इसके अलावा जो भी इनके जूते चप्पल है जिनकी पूजा अर्चना होती है, वो सब कुछ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए दोस्तों, और लोग, इनकी मान्यता है कि लोग दोस्तों इनके दर्शन के लिए मरते थे, क्योंकि ये कभी कभार बाहर आते थे और ये अपनी तपस्या के अंदर ही लीन रहते थे। और दोस्तों यहाँ के लोगों का मानना है कि ये एक ही समय में दो जगह दिखाई देते थे। यह जब कथा सलेमाबाद में करवाते थे तो मथुरा में भी इनके दर्शन होते थे, ऐसा माना जाता है। ये देखिए दोस्तों, ये इनका जो आचार्य, यहाँ पे देखिए दोस्तों ऊपर लिखा हुआ है आचार्य श्रीनिवास, इसके अंदर हर किसी का प्रवेश वर्जित है, क्योंकि इसके अंदर ही ये जो मेन मार्ग है, जहाँ पर इसके अंदर इनका महल का मुख्य जो रूम है वह है, वहाँ पर ये तपस्या करते थे।
ये दोस्तों अभी ये इनकी प्रतिमा लगी हुई है, जो केवल देखने के लिए जो सैलानी आते हैं यहाँ पे, जो दर्शन के अभिलाषी है उनके लिए ये दोस्तों ये सारी सामग्रियाँ एक कांच के अंदर पैक करके रखी गई है। ये देखिए दोस्तों, जो भी ये देखिए दोस्तों, हम आपको क्लियर तरीके से ये सारी सामग्रियाँ दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जूते चप्पल नारियल सब आप देख रहे होंगे। ये दोस्तों ये देखिए आप, ये मंदिर के बाहर का नज़ारा है राधा कृष्ण मंदिर का। और यहीं से दोस्तों, जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, यहीं से श्री जी महाराज लोगों को दर्शन देते थे। ये कुछ समय के लिए ही वो यहाँ से बाहर निकलते थे और यहीं से लोग उनके दर्शन किया करते थे। ये देखिए दोस्तों, पूरा नज़ारा आप देख सकते हो। ये मंदिर के अंदर का नज़ारा है जहाँ पे श्री जी महाराज निवास करते थे। दोस्तों निम्बार्क संप्रदाय विश्व भर में प्रसिद्ध है और काफ़ी लोग यहाँ पर देखने आते हैं। दोस्तों ये जो आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है, यहाँ पर संस्कृत की एक पाठशाला है जो मुफ्त में पांडित्य में निपुण करवाया जाता है यहाँ पे। ये दोस्तों मुख्य गेट था। अब दोस्तों हम वहाँ पे चलते हैं जहाँ श्री जी महाराज की समाधि स्थल है। दोस्तों कहा जाता है कि जब श्री जी महाराज का देहांत हुआ था तो यहाँ पर लाखों की संख्या में भीड़ लगी हुई थी। इस कारण उनका अंतिम संस्कार भी मंदिर के पास ही करना पड़ा और उनके अंतिम संस्कार के लिए दूर दूर से बड़े बड़े व्यापारी लोग आए थे और रातों रात दोस्तों चंदन की लकड़ियां भी विदेश से मंगवाई गई और आरके मार्बल, इसके अलावा बड़े बड़े एसोसिएशन भी यहाँ के लोग आए थे। और ये देखिए दोस्तों, श्री जी महाराज का समाधि स्थल ही है, हम उसके पास चलकर आपको दिखाते हैं। ये दोस्तों पूरी तरह से मार्बल से, यहाँ पर जो मार्बल की यूज़ किया गया है वो प्योर मकराना मार्बल है दोस्तों। जिस मार्बल का ताजमहल बना हुआ है वही मार्बल यहाँ पे काम लिया गया है। तो ये देखिए दोस्तों कितनी सुंदर बनावट है इसकी। यहाँ पर श्री जी महाराज ने समाधि ली थी, ये उनका समाधि स्थल है। और दोस्तों हम तो अभी आम दिनों में आए हैं, बाकी जब इनकी जो पुण्यतिथि होती है उस समय यहाँ पर काफ़ी संख्या में भीड़ लगी रहती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए।